अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मन चाहा। अब के हम पिछड़े। अच्छी तरह सोच लो, इसके बाद वापसी मुमकिन नहीं होगी। क्या ये सिर्फ मेरा फैसला है? फैसला मेरा या तुम्हारा नहीं, बल्कि हमारा है। हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं बल्कि पेरेंट्स भी हैं। अनुषा को इस फैसले के बारे में मालूम होगा तो क्या होगा? माँ बाप को जहनों की तरह लड़ते हुए देखने से बेहतर है कि वो हम दोनों को अलग अलग खुश देखे। खुश? खैर, नीचे ड्राइंग रूम में वकील साहब इंतजार कर रहे हैं। चलो चलकर लीगल मामला डिस्कस कर लेते हैं। असद समझने की कोशिश करो, बंगला फौरन बिकवाओ। अगर मार्केट रेट से सस्ता भी बिकता है तो इसे बेचने की करो। हाँ पर भाई, मार्केट बहुत डाउन चल रही है इस वक्त। कुछ टाइम रुक जाए, मार्केट ऊपर आ जाए तो फिर अच्छे पैसों में बंगला बिक जाएगा। यार मार्केट डाउन है तो सस्ती चीज का कोई तो खरीदार होगा, इन्वेस्टर्स पकड़ो। यार पर कुछ वक्त लग जाएगा, इतना जल्दी नहीं बिक सकता इतना बड़ा बंगला, तो कुछ टाइम रुक जाए, मैं बिकवा देता हूँ। ठीक है, लेकिन एक हफ्ता है तुम्हारे पास, एक हफ्ते में डील डन करवाओ। अच्छा ठीक है, मैं एक से बात करता हूँ, एक इन्वेस्टर है मगर पैसे कम देगा, वो थोड़ा टाइम लग जाएगा पेमेंट देने में उसको। हाँ ठीक है, तुम बात करो उससे, एक हफ्ते के अंदर अंदर डील करवा दो, अगर हो सके तो अखबार में इश्तहार दे दो। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। प्रो स्टेट एजेंट कह रहा था कि बंगला बिकने में कुछ वक्त लगेगा। कितना? बंगला बिकने, उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार होने और उसकी पेमेंट्स आने में तकरीबन 3-4 महीने लग सकते हैं, और फिर अलग अलग घर खरीदने में भी वक्त लगेगा। ओहो, फिर? फिर क्या, आप अपने डैडी के पास जाना नहीं चाहती और मेरे पास कोई और ठिकाना है नहीं। डोंट बी ओवर स्मार्ट, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बस
बाबा ये देखिए मेरा फोन इतना हैंग हो रहा है। आपने मुझे कहा था मुझे न्यू फोन दिलाएंगे। हाँ बेटा ले लेते हैं। आज ही दिलाएंगे ना? हाँ बेटा आज ही ले देंगे, शाम में चलते हैं लेने के लिए। आप बहुत अच्छे बाबा, थैंक यू। आपने उरूसा को घर बेचने का बता दिया? क्या हो गया है, आप लोग घर क्यों बेच रहे हैं? आपको बताया था ना कि मम्मी पापा अब साथ नहीं रहेंगे, इसलिए ये घर बेच के हम अलग अलग घर ले रहे। आप तो एक दूसरे से अलग हो रहे तो हो जाए, लेकिन मुझे तो मेरे घर से अलग मत करे। बचपना मत दिखाओ रूसा, अब तुम बड़ी हो गई हो। बड़ी हो गई हूँ? आप दोनों ने मुझे बच्चा रहने ही कब दिया है? मेरी बात सुनो बेबी। नहीं आप मेरी बात सुने, अगर आप दोनों ने ये घर बेचा ना तो आप दोनों ही दो की जगह तीन घर का दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अरे ये पौधों और दरख्तों का क्या हाल हो गया? क्या फर्क पड़ता है अब हमें कौन सा यहाँ रहना है? इतना बेरहम होने की जरूरत नहीं है। हमने कितनी मोहब्बत और मेहनत से ये पौधे लगाए थे जो अब तनावर दरख्त बन चुके हैं। इन दरख्तों से हमारा पुराना रिश्ता है। जब पुराने इंसानी रिश्ते ही बरकरार नहीं रहे तो इन पौधों और दरख्तों से इंसानी रिश्तों की क्या अहमियत है? अहमियत रिश्तों या उस ताल्लुक की नहीं होती, बल्कि उस ताल्लुक में गुजरे वक्त और उसमें शामिल किए हुए जज्बात की होती है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तूने मुझे सब कुछ अता किया है, बेहतरीन शौहर, बेहतरीन औलाद, जिंदगी की हर आसाइश। सब कुछ पाने के बाद भी पता नहीं क्यों इस दिल में एक खौफ है। इस शैतानी वसवसे से बचने के लिए मेरी तुझसे इल्तिजा है। मेरे घर को और मेरी खुशियों को हासिदों की नज़र से और दुश्मनों के शर से महफूज रखना। मेरे पाक परवरदिगार, तू ही हम सबका मुहाफिज है। मेरा घर, मेरी औलाद, मेरा शौहर महफूज रहें। आमीन सुम्मा आमीन। कहीं जा रही हो? इस जहन्नम से दूर। अपनी आवाज़ और अपना लहजा ज़रा धीमा रखा करो, तुम अक्सर ऐसी बात कर जाती हो कि अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मैं जो चाहूँ जब चाहूँ बोलूँगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि यह सब कुछ उलूसा को इतने जल्दी पता चल जाए, उसे सदमा होगा। कब तक? कभी ना कभी उसको सब कुछ पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि वो इन सब बातों के लिए ज़हनी तौर पर पहले तैयार हो जाए। कोई भी बेटी अपनी माँ के तलाक के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हो सकती, सुन लिया तुमने? तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकती? इतना मुश्किल मरहला मैंने गुजार लिया है और तुम इतना अरसा मैं अपनी बेटी और अपने घर से दूर रहा ताकि तुम्हारी इद्दत कंप्लीट हो जाए और उसका उसे पता ना चले, और तुम मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर देना चाहती हो? तुम जो मर्जी कर लो, कभी ना कभी पता चलना ही है, और अच्छा है कि जल्दी पता चल जाए, कि उरूसा के लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है,
एक बार फिर मैं तुम्हें याद दिला, मैं नहीं चाहता कि सारी बातों का रूसा को अभी पता चले, इसलिए प्लीज डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए आ जाना। तमसील कहाँ है? मैंने उन्हें बता दिया कि वो आए। ठीक, बेबी तुम डालो। जब तक तुम इस घर में हो, तुम्हारी हर चीज तुम्हारी है। कुर्सी पे बैठ सकती है। अब मेरा इस घर में कुछ नहीं रहा, ना यहाँ की चीजें, ना ये घर, और ना ही तो। जरूरी है कि हर वक्त इस बात का एहसास दिलाओ। एहसास नहीं दिलाऊंगी तो दोबारा हक जताना शुरू कर दोगे। बेटा मेरी बात हो गई इंटीरियर डिजाइनर से, वो कल आएगा तुम्हारे कमरे के लिए, तुमसे मिल लेगा। वो रूसा मेरे साथ रहेगी उमर। देखो तमसील, हमारी बात से फलहत की क्यों हुई थी, वो रूसा की नहीं, और हमारी ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं हुई। बैकफायर करना बंद करें, आप दोनों को मेरी कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है आप लोगों को, आप लोगों को सिर्फ अपनी ईगो की परवाह। और अगर मुझे पार्ट नहीं था तो पैदा क्यों किया था? उरूसा? रूसा प्लीज ओपन द डोर। देखो ना उमर, रूसा दरवाजा नहीं खोल रही। आप लोग जाएं यहां से। रूसा प्लीज दरवाजा खोलो। आई एम सॉरी बेटा। नहीं खोलना मुझे दरवाजा, आप लोग जाएं। उमर मुझे परेशानी हो रही है, प्लीज दरवाजा खुलवाओ। परेशान मत, तुम तो जानती हो रूसा को, जब गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही दरवाजा खोल देगी। लेकिन गुस्से में उसने कुछ ऐसे वैसे कर लिया तो? अरे बाबा कुछ नहीं होगा, सुबह तक उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और हाँ, तुम रूसा के सामने अपने गुस्से को काबू में रख। सफर यूं कटेगा कि मंजिल न होगी सजन, सफर यूं कटेगा कि मंजिल न होगी सजन, कहीं दिल को राहत भी हासिल न होगी सजन। अब के हम बिछड़े अब के हम बिछड़े
इतना लेट हो गया। उरुसा को कॉल करती हूँ। लड़की और उषा, क्या है रिता, क्यों कॉल कर रही हो? और उषा, अभी तक सो रही हो क्या? यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या तुम्हें? टाइम, ओ गॉड रिता, इतना लेट हो गया। मैं बस आ रही हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हम्म, ये लड़की भी ना, वो चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हॉबी अंग्रेजी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप घर की तहजीब और तमीज भूल जाए। आपकी ये पढ़ाई सिर्फ दुनिया में सर ऊंचा करके चलने के लिए, आखिरत में सर ऊंचा तब होगा जब आमाल दुरुस्त होंगे। रोज आपको एक बात बताई जाती है कि सुबह उठ के सलाम किया जाता है, सॉरी अब माफ कीजिएगा अब्बा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फजर की नमाज पढ़ी थी? हाँ जी अब्बा जी, मैंने पढ़ी थी वो, रोज पढ़ता हूँ, अब तो अम्मी को उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो क्यों अलीमा बेगम, क्या कह रहे हैं आपके साहबजादे जी? मैं उठाऊँ या अलार्म, एक ही बात है ना। नमाज की पाबंदी फर्ज होने के साथ साथ हमारी मुश्किलों में आसानी पैदा करने का सबब भी बनती है जी। अम्बा जी मैं समझ गया। उषा कुछ लोग खाने के लिए, अपने अब्बा के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत है आदि? अरे अम्मी, उन्होंने अचानक मुझसे पूछ लिया था तो मैं क्या करता, जो समझ में आया मैंने बोल दिया। तो झूठ क्यों बोला? अच्छा अम्मी, मैं ख्याल रखूंगा, अब नहीं बोलूंगा, आप प्लीज छोड़े तो। हादी, अगर आइंदा झूठ बोला ना तो मुझसे कोई तवक्को मत रखना। ठीक है अम्मा, मुझे पता है, मुझे ये भी पता है कि मुझे जब भी कुछ होगा ना, आप है ना मुझे संभालने के ही हैं। बिल्कुल भी नहीं, देखो सुधर जाओ, वरना जिस दिन तुम्हारे अब्बा को शक हो गया ना, जानते हो क्या होगा? मेरी तरबियत पे उंगली उठेगी। ओके बाबा, ये देखिए मैंने कान पकड़ लिया, अब नहीं करूंगा, आइंदा से ख्याल रखूंगा बस। अच्छा नाश्ता खत्म करो और यूनिवर्सिटी जाओ, देर हो रही है। हो चुका, बस मैं चाय पी रहा हूँ।
शाम में मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है? ख्याल रखिएगा। ये लड़का नहीं सुधरेगा। मुझे पता था मुझे तुम यही मिलोगी। क्लास क्यों नहीं अटेंड की? तुम्हारे घर में फिर कुछ हुआ है? नहीं, वही रोज रोज की कहानियां। आई डोंट बिलीव दिस। ऐसे पहले माँ बाप देखे हैं मैंने जो जिंदगी की हर आसाइश और औलाद होने के बावजूद भी ऐसे हैं। लिटरली रूसा, योर पेरेंट्स आर सिक। वो दोनों अलग होना चाहते हैं। उन दोनों ने डिसाइड कर लिया अलग होने का। What? You mean तलाक? डिवोर्स तो मैं होने नहीं दूंगी। मैं बिल्कुल भी उन दोनों को अलग होने नहीं दूंगी। और तुम? तुम्हारा क्या? ये नहीं सोच रहे वो? तो किसके साथ रहोगी, कहाँ जाओगी? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ प्रीता, जो बहुत शर्मिंदगी होती है। जो मोहब्बत मुझे मेरे पेरेंट्स से मिलनी चाहिए वो मुझे तुम्हारे घर से मिलती है। और जब आंटी को ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? कुछ नहीं सोचेंगी। तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा मत हो। और वैसे भी अच्छे बुरे का फैसला वक्त खुद करता है। परेशान मत हो, मैं अब्बा से कहकर तुम्हारे लिए खास दुआ करवाऊंगी और फिर देखना कैसे तुम्हारे माँ बाप अपना फैसला चेंज करेंगे। क्या फायदा रहता? वो दोनों तो साथ रहकर भी लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। उन दोनों को तो पेरेंट्स कहने का हक ही नहीं है। जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों की जिम्मेदारियां नहीं लेते ना, तो कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ इस दफा बर्थडे का क्या प्लान है तुम्हारा? पूरे साल में एक ही तो दिन आता है जब मैं सोचती हूँ कि काश मैं पैदा ही ना हुई होती। उसी की वजह से मैं इस मकाम पर हूँ और तुम मुझे कह रही हो कि मैं वो दिन सेलिब्रेट करूँ। कम ऑन रोसा, खुशियाँ सेलिब्रेट करने से जीने का हौसला बढ़ता है और शायद इसलिए अल्लाह ने मुझे सगी बहन नहीं दी, तुम्हें जो भेजा मेरी जिंदगी में बहन बनाकर। सच कहो रीता, मेरा तो जीने का दिल ही नहीं करता। खबरदार, जो आईने इस तरह की कभी बात भी की तो। आज ही इलाके के चेयरमैन से मुलाकात हुई है। जब से सीट पर आए ना, पूरे इलाके की शक्ल ही बदल के रखती है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का दर्द उसके सीने में ही हो। शहर जावेद, जहाँ हमारे अपने दर्द खत्म नहीं हो रहे और तू उस चेयरमैन को रो रहा है। भाई मेरा घर कब बिकेगा? यार एक तो तेरे मसाइल खत्म ही नहीं होते, एक दिन में कैसे बिकवा दूँ? यार जावेद, मैं और तमसील अब किसी भी सूरत साथ नहीं रह सकते और अब मैं भी यही चाहता हूँ कि मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए। मुझे डर है कि हमारी बढ़ती हुई लड़ाइयों की वजह से रूसा कहीं हमसे बागी ना हो जाए। ये सब तो तुझे तलाक देने से पहले सोचना था। अब ये बता कि रूसा रहेगी किसके पास? कोर्स मेरे साथ यार। और तुझे क्या लगता है, जिस औरत ने इतने साल तेरी नहीं सुनी वो रूसा को तेरे हवाले करके कैसे चली जाएगी? भूल है तेरी। तुझे क्या लगता है कि तू तलाक देके आजाद हो गया? देख, बीवी से लड़ना आसान था लेकिन एक माँ से लड़ना बहुत मुश्किल है और वो उरूसा तुझे कभी नहीं देगी, समझा तू?
हुआ? एक तो जिंदगी खराब, ऊपर से गाड़ी भी अभी खराब हो गई। चुकन समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो तुम घर कैसे जाओगी? मुझे नहीं पता रिदा। हेलो उरुसा, ये मेरे भाई हैं, हादी भाई। रिदा, क्या हुआ गाड़ी को तो, आपकी? पता नहीं, गाड़ी नहीं चल रही, मुझे नहीं समझ आ रही है मैं घर कैसे जाऊंगी। मैं ठीक करवा दूंगा। That's so nice of you. Thank you. और मैं घर कैसे जाऊंगी? मैं कैब मंगवा देता हूँ। ये सही रहेगा। तुम कैब से चली जाओ। That's so sweet. Pleasure is all mine. चाबी? Thank you. See you tomorrow. वैसे आपका घर बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। वैसे अगर आप माहिना करें, एक बात पूछूं मैं आपसे, आप इसको क्यों सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं? मेरे नज़दीक घर रिश्तों से बनते हैं, खूबसूरती से नहीं। अब असल में मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, बस इसीलिए सेल कर रहा हूँ। ओ आई सी। ठीक है उमर साहब, मुझे आप 2-3 दिन का टाइम दीजिए तो मैं फिर इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। श्योर, आप प्लीज चाह लीजिए ना। तमसील, मुझे उरुसा के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। उरुसा के बारे में? हाँ, तुम्हें उरुसा को अपने साथ ले जाने की जिद छोड़नी होगी। एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो उमर, किसी सूरत भी मैं उरुसा को तुम्हारे पास छोड़ के नहीं जाऊंगी। उरुसा तुम्हारे पास सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो तुम इस बात पे श्योर हो कि वो तुम्हारे पास ज्यादा सिक्योर होगी? Yes, of course. ठीक है, फिर इसका फैसला हम उरुसा पर छोड़ देते हैं। वो बच्ची है, उसको अपना अच्छा बुरा नहीं पता। तुम्हारे कहने का क्या मकसद है? कि मैं एक बुरा बाप हूं? ये तो तुम्हें पता होगा, मेरे मुंह से सच सुन नहीं पाओगे तुम। नहीं, आज तुम सच बता ही दो, मैं भी देखना चाहता हूं कि कितना जहर भरा है तुम्हारे दिल में। मुझे कोई शौक नहीं है तुम जैसे मर्द के मुंह लगने का, जो ना तो अच्छा शौहर बन पाया और ना अच्छा बाप। तमसील, मारो मारो, रुक क्यों गए? आज ये ख्वाहिश भी पूरी कर लो तुम, मारते क्यों नहीं? तुम जैसा बाप किसी बेटी का आइडियल हो ही नहीं सकता उमर। एक बात आप दोनों अच्छी तरह समझ ले, ना मुझे आपकी जरूरत है और ना आपकी, मैंने आप दोनों के बगैर जीना सीख लिया। उरुस,
रफीक साहब, ये जो ब्लॉक 13 है ये हमारे एरिया में आता है। जी हाँ सर। मुझे कल एक कंप्लेन मौसूल हुई है ब्लॉक 13 के हवाले से। मैंने खुद जाके विजिट किया है, वहाँ दो बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और ये दोनों बिल्डिंग्स पार्क की जगह पे बनाई जा रही, और उस पर ये कि मजदूरों ने सारा मलबा सड़क पे डाल दिया है, आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। वहाँ के वकीलों ने शिकायत की है कि वहाँ का बिल्डर बहुत बदतमीज इंसान है। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि जाएं और जल्द अज जल्द इस मामले को सॉल्व करें। वैसे मेरी पुलिस से बात हुई है, पुलिस भी आज इस केस पे एक्शन लेने वाली। जी बेहतर सर। सर रुके सर, कहाँ जा रहे हैं सर? रुके सर, सर रुके सर। सर मैंने इनको बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुके सर। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी फरमाइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सुना है पूरे इलाके के मसीहा बन गए आप। लेकिन मेरे गिरेबान पर हाथ डालने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिएगा। सीट तो जाएगी जाएगी, शहर में बदनामी अरब हो। अब जाहिर है जिसकी एक बेटी हो उस पाप को तो फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता, इसलिए बेहतर होगा मेरे खिलाफ दर्ज की गई FIR वापस ले लीजिए। ये जो आप पर ईमानदारी का भूत सवार है ना, इसे उतार कर साइड पर रख दीजिए, क्योंकि ईमानदारी से पेट नहीं भरता, पेट पैसे से भरता। फ्री का मशवरा है, इस कुर्सी से फायदा उठाइए और उम्मीद करता हूं दोबारा मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तो तुमसे मशवरा कर रहा हूं कि क्या उरूसा को तमसील के पास छोड़ना ठीक है? नहीं, उरूसा इस बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानती है। उसको सिर्फ इतना पता है कि हम अलग हो रहे हैं। डिवोर्स के बारे में उरूसा को कुछ नहीं मालूम। अरे हाँ बाबा, तभी तो तुम्हें कॉल की है। वो जिद कर रही है। लेकिन मेरे गिरेबान पर हाथ डालने से पहले एक बार अच्छी तरह से सोच लीजिएगा। सीट तो जाएगी जाएगी, शहर में बदनामी अलग होगी। अब जाहिर है जिसकी एक बेटी हो उस पाप को तो फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता, इसलिए बेहतर होगा मेरे खिलाफ दर्ज की गई FIR वापस ले लीजिए। आज शबाना का फोन आया था, लड़के वालों को माई रिदा बहुत पसंद आई है, वो रिश्ता लेकर आना चाह रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? बेहतर भी यही है कि लड़की की शादी जल्द अज जल्द हो जाए। आप बुलाइए उन्हें। ठीक है, फिर मैं शबाना को फोन करके बता देती हूँ। क्या बात है हसन साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। नहीं, वही ऑफिस के मामलात। आप तो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलते, फिर अब क्यों बात छुपा रहे? देखिए मैं आपकी बीवी हूँ, आप कब खुश होते हैं कब परेशान होते हैं मुझे सब मालूम हो जाता है। बताइए ना क्या बात है। बस एक बात का खौफ,
परेशान किए हुए मुझे। मैं चेयरमैन इसलिए बना था कि लोगों के काम आ सकूं, मगर शरीफ इंसान की इस दुनिया में कोई कदर नहीं है। अच्छे काम करने के लिए बहुत हिम्मत और हौसले की जरूरत है। और जिनका सहारा अल्लाह हो उनके हौसले बहुत बुलंद होते हैं ऐसा साहब। आप यकीन रखिए और अपने अच्छे इरादों में आगे बढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हर कदम पर आपका साथ देगा। रूसा, रूसा बेटा दरवाजा खोलो। रूसा, सरप्राइज फॉर यू। रूसा, लॉक है दरवाजा। रूसा, क्या हो गया? अब मुझे दो, तुम चाबी लेकर आओ। हाँ, मैं चाबी लेकर जल्दी से। रिदा, क्या बात है बेटा, अब तक क्यों जाग रही हो, इतनी रात हो गई। अम्मी, आज रूसा का बर्थडे है, कब से उसको कॉल्स कर रही हूँ बर्थडे विश करने के लिए, लेकिन हैरत है मेरा फोन ही रिसीव नहीं कर रही। व्हाट्सएप पे भी मैसेज पे ब्लू टिक आ गया है, पता नहीं क्यों जवाब ही नहीं दे रही। अरे तो सो गई होगी ना, और अब तुम भी सो जाओ, सुबह फजर के लिए उठना है ना। और तुम्हें अपने अब्बा का तो पता है, अगर उन्हें पता चला इतनी रात तक जाग रही हो ना तो बहुत नाराज होंगे। दुआ करें अम्मी वहाँ सब खैरियत से हो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। खैरियत ही होगी बेटा, हो सकता है वो अपने माँ बाप के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने कहीं गई हो। चाहिए बात होती अगर उसके माँ बाप इतने अच्छे होते। तो हमेशा ऐसे ही कहती हो भाई, वो उसके माँ बाप है, वो उसका ख्याल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। अम्मी, उसके घर के माहौल और हमारे घर के माहौल में बहुत फर्क है, और उसके माँ बाप को तो रुसा की फिक्र ही नहीं है, बस एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, बगैर ये सोचे कि उरूसा का क्या होगा। लेकिन उरूसा ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या कहती बेचारी, सिर्फ शर्मिंदा ही होती। अल्लाह ऐसे माँ बाप किसी को ना दे जैसे उरूसा को दिए हैं, खुद परस्त, बेहिस, किसी रिश्ते का ख्याल ही नहीं है उन्हें। बेचारी बच्ची। दोबारा ट्राई करती हूँ, क्या पता रिसीव कर ले। रूसा बेटा दरवाजा खोलो। ये देख रूसा, ओ माय गॉड, रूसा रूसा, किसी चाबी है इसकी पता नहीं। रूसा, देखो केक लेकर आया। नींद की गोलियां कही है इसने। पुरुषा, 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 पानी, पानी, आगे लो, सीधे करो, सीधे करो।